चतरा जिले का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का देवकी टांड आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की बाट जो रहा है। सरकारी उदासीनता की वजह से आज तक गांव में पुल और सड़क नहीं बन पाई है। रिपोर्ट देखें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हाथ तो बढ़ते हैं, सड़क किसी तरह से बनती है, पर हर साल ये कच्ची सड़क बह जाती है और अपने साथ गांव की तकदीर भी बहा कर ले जाती है। सिमरिया प्रखंड के देवकी टांड गांव का हाल, गांव को आज तक है एक अदद सड़क का इंतजार। बरसात में टापू बन जाता है गांव। हर बार ग्रामीण करते हैं वोट बहिष्कार, हर बार मिलते हैं लोक लुभावन वादे, पर हर बार सड़क देना भूल जाते हैं नेता। सिमरिया प्रखंड मुख्यालय इस गांव से 10 किलोमीटर दूर है, पर इस दूरी को पाटने वाली जो सड़क है वो प्रखंड मुख्यालय को युगों युगों दूर करते हुए इस गांव को टापू युग में धकेल देता है। पंचायत स्तरीय ग्राम सभा में फैसला हुआ कि यहां पीसीसी सड़क बने, पर आज तक किसी नेता की नजरें इनायत ही नहीं हुई। चुनाव के दौरान वादे हुए, पर चुनाव के बाद वादे टूटे भी। नतीजा, जिंदगी आज भी विकास के आस में कट रही है। सो मुख्य सड़क जाने के लिए इन लोगों को जो है सो बहुत दिक्कत होता है, यहाँ तक कि पैदल जाना भी मुश्किल होता है, जैसे कि आप देखे होंगे। और यहाँ पर जो है सो अपने श्रमदान से लोग घर में चंदा वगैरह करके, चावल वगैरह बेच करके जो है श्रमदान करके अपना रोड बनाए हैं। और इस तरह यहाँ पर वोट आता है तब सारे लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, लेकिन वादा बड़े बड़े करके चले जाते हैं। हमने अपन चंदा करके और हमने रोड बनवाए थे, घर घर चंदा मिला के, तो माते सरकारे है तो का सरकार कौन चेहमिन के कर देवे थे। नदी ढोढ़ा बना दल है, जावे पार होवे ले बिना होबो है, कोई नहीं अथी गत्थी नेने पार होवे ने ऊ पार होवे ने चंगा छवा वो है बह दे जा है नदी ढोढ़ा ने। डेकी टाण के इतना खराब रास्ता हो गला है ऐसी, अब डिलीवरी को है तो ओकरा कैसे दिक्कत से लगते, कितना परेशानी से लगता है, बाल बच्चा तबियत खराब हो जाए सब वही। अब बेटा बेटी सयान भेले तो ई गांव ने कोई आए रिश्ता करे ना खोजे, नदी ढोढ़ा बना ले तो कौन गांव ने, ऊ गांव कैसे जेते आदमी। इस गांव में अब तो ना बाराती आती है ना यहां से बाराती जाती है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया है कि मामला अब उनके संज्ञान में आ गया है और बहुत जल्द ये तस्वीर बदलेगी। लिखित शिकायत है ना मौखिक शिकायत है, फिर भी तो बातें संज्ञान में आज आया है, तो इस पर अगर सड़क नहीं होगा तो सड़क भी बनेगा, पुल नहीं हुआ तो पुल भी बनेगा, वहाँ स्कूल भी नहीं हुआ तो स्कूल भी बनेगा। मूलभूत पहला लक्ष्य रखे हैं कि जिस गाँव में आज तक आज़ादी के 74 बरस बीत जाने बाद भी काम नहीं हुआ, वैसे गांवों को चिन्हित करिए, और जो विकास से वंचित है, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, उन सब गांवों को फोकस करना है। आक्रोश तो है पर उम्मीद भी है, हम भी चाहते हैं कि तस्वीर बदले। देखना है ये बदलाव आता कब तक है। चतरा से न्यूज 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे चतरा से सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, 7 दशक हो चुके हैं, यानी कि 75वें साल में हम जा रहे हैं आजादी के, और अभी तक इन्हें आजादी नहीं मिल पाई है, आज भी ये बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। सभा के कसारी पंचायत के देवकी टांड में आज भी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। आजादी के 74 साल होने के बावजूद भी आज तक यहाँ जो मूलभूत सुविधा होती है, सड़क होती है, बिजली होती है, पानी होती है, आज भी इस गांव तक सरकार का जो योजना होता है वो नहीं पहुंच पाया। सबसे बड़ी बात है कि गांव में आज भी आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोग आज श्रमदान करके आज सड़क का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जो ग्रामीण हैं उन पर काफ़ी नाखुशी है जिला प्रशासन और सरकार के विरोध में, क्योंकि उनका कहना है कि आज़ादी के 74 साल हो गए हैं लेकिन गांव में आज भी सड़क और पुल पुलिया नहीं है, आने जाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है
कि जो गांव की जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनकी शादी ब्याह में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो है वो न सड़क है जिसके चलते लोगों को कोई भी मेहमान आते हैं और देख करके लौट जाते हैं कि गांव में तो सड़क ही नहीं है। तो गांव वाले को सबसे बड़ा समस्या है सड़क को लेकर के, और सड़क नहीं रहने के कारण लोग आज चावल बेच करके चंदा इकट्ठा करके श्रमदान करके सड़क का निर्माण करवाए हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो पूरे गांव टापू में तब्दील हो जाता है, लोगों को आने जाने का जो साधन होता है पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो सरकार से ग्रामीण का मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है गांव में सड़क और पुलिया का व्यवस्था करवावे, और सबसे और उससे भी ज़्यादा है कि जो ग्राम में जो गांव का सरकार होती है उसका भी कोई ध्यान नहीं है। और इस बार जो है पंचायती चुनाव जो होने वाला है उसमें उन लोग साफ तौर पर कहा है कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो सरकार और यहाँ का जो जिला प्रशासन है जल्द से जल्द सड़क बनवावे। जो तमाम जानकारियों के लिए, तो आजादी को इतने साल बीत चुके हैं उसके बावजूद इस गांव के लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। सड़क के लिए ये हमेशा मांग करते हैं लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, हर बार चुनाव के वक्त बस इनसे वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादे भूल जाते हैं नेता। अब इन्होंने वोट बहिष्कार की बात कही है।